एसएससी मैथ वीडियो के बारे में आज आपको एलजेब्रा के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इससे पहले आइडेंटिटी के आपको सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ भाई। क्या है फॉर्मूला भाई? ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर भाई। इस आइडेंटिटी में क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर्मूला बेस्ड है भाई, ये फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चंस बोलूँ क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं पेपर में, तो भाई ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 8 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है। तो पूछा गया है क्या कि ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा भाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर का। मैंने भी बताया है भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बोलूँ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 सॉरी 8 हो गया। मैं बोलूँ इसकी वैल्यू तो मेरे को 4 दे रखी है भाई, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 8, कितने आ गए भाई 2 वैल्यू होगी किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 2 निकला है मेरा, तो भाई अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या देगा भाई, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या भाई, जोड़ दो 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस पर पुट करूँगा भाई तो क्या देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई प्लस ए बी इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू क्या है 3 है प्लस ए बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू कितना 1 भाई, इसका आंसर 1 आ गया। ये ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आपको फॉर्मूला आता होगा तो आप आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर तुक्का ही मार के आओगे और फिर कर सकते हो। तीन चीज़ें भाई, इसकी वैल्यू इसके बराबर देखिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैंने अभी लिखा था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 12 के बराबर आ गया, इसकी वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस ए बी इक्वल टू 12, 4 गया, 4 से कितने 3 बार में जाएगा भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई भाई। ये तो निकल आया मेरा, क्या आ गया, 3 आ गया, बच्चा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, ये दे रखा है। अगर मैं बोलूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 4 और दे रखा है भाई, अगर मैं इस पूरी टर्म को जोड़ दूँ तो क्या बनता है भाई, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी से ए बी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इक्वल टू कितना 7। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है, 3.5 निकल के आ रहा है भाई। अगर मैं 3.5 इस वाली टर्म पे रख देता हूँ भाई, प्लस ए बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू कितना 0.5, 3.5 और 0.5। देखो क्या करा, सिर्फ मैंने आइडेंटिटी पुट करा है इस पर, सिर्फ फॉर्मूले मैंने पुट करा है और आंसर अपने आप निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, क्या कह रखा है, अब की बार क्वेश्चन में 15 बोल रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है, भाई फॉर्मूला पता है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 15 के बराबर, मुझे इसकी वैल्यू क्या 3 दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 15, 5 से कैंसिल आउट भाई, मुझे क्या दे दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना गया, 5 आ गया भाई। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू कितना दे रखा भाई, 3 दे रखा है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो भाई क्या निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ कितना आ गया, जोड़ूंगा तो 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 भाई, इसकी वैल्यू 4 आ गई। अगर मैं इस वैल्यू के ऊपर रखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू कितना 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू 4 है प्लस ए बी इक्वल टू 5, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ए बी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं भाई, आया आते हैं भाई नए फॉर्मूले, इस पर फॉर्मूले तो नहीं कहूँगा मैं भाई इसे, बट हाँ देख लो क्या क्वेश्चन है भाई, क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन देखा एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और पूछा हुआ है फाइंड रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, क्या होगा भाई, भाई जब रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स पूछ रहा है उसके लिए मुझे 1 बाय एक्स भी तो चाहिए भाई, क्या होगा 1 बाय एक्स देख लेते हैं भाई। अब हम नीचे लेके जाते हैं भाई, तो 2 प्लस रूट 3 भी नीचे चला जाएगा, इसको रैशनलाइज करूँगा मैं, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 भाई नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या देगा भाई 2 माइनस रूट 3,
अपॉन में वन, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो भाई क्या देगा, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर, इससे दे कट जाएगा, ये आ गया। अब मैंने भाई पावर हाफ वाला केस बताया था, क्या जब भी मुझे x प्लस वन बाई रूट एक्स निकालना हो तो क्या होता, रूट में क्या t प्लस टू, क्या होता भाई आप बताओगे, t प्लस टू होता भाई, रूट में टी कितना है, फोर प्लस टू रूट सिक्स, क्या गया रूट सिक्स। और भाई यही तो मुझसे पूछा था, क्वेश्चन देखने में हार्ड है लेकिन होते नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आपने अगर पहले क्वेश्चन देख रखा होगा तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर नहीं देखा होगा तो आप कन्फ्यूजन तो पैदा होगी आपके क्वेश्चन में। मैं आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। भाई बच्चों को प्रॉब्लम कब आती है, जब आती है जब बच्चे ने क्वेश्चन देखा ना हो और उसके सामने लेकर आ जाए। अगर हमारे सामने भी क्वेश्चन आ जाएगा ना जो हमने देखा नहीं हो, भाई हम भी थोड़ा हो जाएंगे कन्फ्यूज, बट हाँ कर लेंगे ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, रखा है एक्स इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू और फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स। भाई यहाँ से मैं जब वन बाय एक्स निकालूंगा तो क्या देगा, वन बाय थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट टू, रैशनलाइज करूँगा तो थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू भाई ए का क्यूब नाइन बी का क्यूब एट, भाई क्या दे दिया भैया थ्री माइनस टू रूट टू। भाई अब इतना नहीं करेंगे हम, जो बताया जा रहा है वो देख लो भाई, तीन का स्क्वायर नाइन बनता है, टू रूट टू का स्क्वायर कितना बनता है भाई एट बनता है। अगर इनका डिफरेंस एक इधर रखा हो तो मैं डायरेक्ट क्या ले लूँगा भाई, थ्री माइनस टू रूट टू होगा क्या वन बाय एक्स, इतना करने की जरूरत नहीं है। ये स्टेप अपन हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी, क्यों, क्योंकि जब भी मुझे क्या दे रखे हो इसका स्क्वायर और सेकेंड वाली वैल्यू का स्क्वायर क्या दे रखा हो, डिफरेंस वन दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वन बाय एक्स इक्वल टू थ्री माइनस टू रूट टू, ठीक है इसका तो काम ख़त्म हो, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो क्या देगा भाई, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू कितना बता 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 भाई, सिक्स, सिक्स ही आएगा ना, और इससे ये कट जाएगा। अब निकालना क्या x क्यूब भाई, x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब मैंने निकालना बताया था, कैसे निकलता है भाई, निकलता है टी क्यूब माइनस थ्री टी, टी क्यूब माइनस थ्री टी, टी क्यूब कितना 216 भाई, माइनस थ्री टी मतलब 18, 198 भाई, अगर इसकी वैल्यू 198 हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6, आंसर कितना 204, आंसर कितना 204। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, क्या क्या दे दिया, x इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू भाई, वही डिफरेंस इसका स्क्वायर करो नाइन, इसका स्क्वायर करूँगा एट, देखा डिफरेंस एक तो मैं बोल दूँ वन बाई एक्स कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू रूट टू भाई। अब की और मुझे क्या देखा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, अगर मैं x प्लस वन बाई एक्स निकालूँ उससे कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है x माइनस वन बाई एक्स है। फ़ायदा जब होगा जब मैं क्या निकालूँ x माइनस वन बाई एक्स,
ये निकाल लूँगा तो ये डायरेक्ट फार्मूला निकल जाएगा। क्या होता है उस चीज़ का फार्मूला भाई, टी क्यूब प्लस थ्री टी, टी क्यूब प्लस थ्री टी। देख लो भाई, अब एक्स माइनस वन बाई एक्स, इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर रूट टू। अब यहाँ से मैं एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकाल सकता हूँ। क्या होता भाई, टी क्यूब प्लस थ्री टी, टी क्यूब कितना आ जाएगा, चार चौक सोलह चौक चौंसठ, चौंसठ इंटू दो एक सौ अट्ठाईस रूट टू प्लस थ्री टी कितना इंटू फोर रूट टू, तीन चौक बारह और एक सौ चालीस रूट टू आंसर आ गया भाई। आंसर नहीं आया, ये वैल्यू आई है इसकी, इसकी वैल्यू एक सौ चालीस रूट टू है प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना है, फोर रूट टू है। आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया वन फोर्टी फोर रूट टू। ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेना जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है। क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर दे रखा है और पूछा गया है एक्स की पावर सेवन माइनस वन बाई एक्स की पावर सेवन क्या होगा। वही कैसे निकलेगा भाई, एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स। भाई ये तो निकाल लूँगा, कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू, टी स्क्वायर क्या होगा सोलह प्लस टू अठारह। अब यहाँ से मैं एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर निकालूंगा, क्या होगा टी स्क्वायर माइनस टू, एटीन का स्क्वायर थ्री टू फोर माइनस टू थ्री टू टू। भाई बात आती है एक्स क्यूब वन बाई एक्स क्यूब कैसे निकलेगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब मैंने बताया था क्या, टी क्यूब प्लस थ्री टी होता है भाई। टी क्यूब कितना आ जाएगा, फोर का क्यूब सिक्सटी फोर होता है और प्लस चार या बारह कितना आ जाएगा छिहत्तर सेवनटी सिक्स। अगर मैं इस पर वैल्यू रख दूँ क्या, थ्री ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई सेवनटी सिक्स और माइनस कितना भाई, एक्स माइनस वन बाई एक्स फोर था, इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आया। कैलकुलेटर अपने आप कर लेना, आज की क्लास इतना ही, ठीक है, कर देना।